Morning to all my dear students of class 4. Today I am here to teach you the subject social study. So let's continue the chapter. Chapter number 5 देखेंगे आज हम इस वीडियो में. Chapter number 5 है हमारा the Deccan Plateau. Deccan Plateau means Deccan का पठार. तो हम आज Deccan Plateau के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूँ. द नॉर्थन वेस्टर्न प्लेट्यू, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, द सेंट्रल प्लेट्यू एंड साउथर्न प्लेट्यू. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे वो आपको मैं मीनिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ में एक्सप्लेन करूंगी उसका मीनिंग. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर नाउ. द डक्कन प्लेट्यू रेफर्स टू एन एरिया ऑफ साउथर्न इंडिया. तो जो डक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ से रेफर करता है? साउथर्न इंडिया से. इट कैन रेफर टू इंडिया साउथ ऑफ द ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा रिवर, जो कि फ्लो नर्मदा रिवर की तरफ से फ्लो करता है, नर्मदा रिवर के ईस्ट और वेस्ट साइड से. द वर्ड डेक्कन, जो डेक्कन वर्ड आया है, कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड. ये कहाँ से आया है? संस्कृत का एक वर्ड है डेक्कन, संस्कृत से लिया गया है, जिसका संस्कृत में क्या कहा जाता है, जिसको दक्षिणा. दक्षिणा इसका मीनिंग होता है विच मीन्स साउथ. साउथ मीन्स दक्षिण, या दक्षिण दिशा को दक्षिणा वर्ड उठा के ये डक्कन नाम आया है. द डक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो नॉन एज पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो डक्कन प्लेट्यू को और एक नेम से जाना जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से. इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लांस. तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? साउथ से लेके नॉर्थन प्लेन्स तक फैला हुआ है. इट इज अ लार्ज प्लेट्यू, ट्रायंगुलर इन शेप. ये जो है बहुत ही बड़ा प्लेट्यू है, पठार है, जो कि ट्रायंगुलर इन शेप, जिसका शेप आकार जो है वो त्रिकोणीय आकार है, ट्रायंगुलर है. इट इज ब्रॉड इन द नॉर्थ एंड नैरो डाउन टूवर्ड्स द साउथ. जो कि ब्रॉड मीन्स विस्तृत फैला हुआ है. कहाँ? नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा की ओर से. ये उत्तर दिशा से नैरो डाउन टूवर्ड्स, मतलब नीचे सीमित ओर पे फैला हुआ है. एंड साउथ द डक्कन एवरेज एलिवेशन इज अबाउट. तो ये जो डक्कन है इसका ओवरऑल एवरेज क्या है? 2000 फीट मीन्स 600 मीटर्स, स्लोपिंग जनरली ईस्टवर्ड, जो कि स्लोपिंग में है ईस्टवर्ड की तरफ. इट्स प्रिंसिपल रिवर्स द गोदावरी, जिसका जो है कि मेन रिवर है, प्रिंसिपल रिवर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, विच फ्लोज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट टू ईस्टवर्ड टू द बे ऑफ बंगाल. जो कि ये नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहाँ से बहती हैं? वेस्टर्न घाट की तरफ से बहती हैं. और कहाँ तक बहती हैं? बे ऑफ बंगाल तक जाती हैं. द प्लेट्यूज क्लाइमेट, तो ये जो प्लेट्यूज का क्लाइमेट है, जलवायु है, वो कैसा है वो देखेंगे. इज ड्रायर देन दैट, ये जो है कि ड्रायर रहता है, मीन सूखा रहता है, देन दैट ऑन द कोस्ट, जो कि तटीय क्षेत्रों से सूखा रहता है. एंड इज अराइव इन प्लेसेस, इट इज बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स. ये जो है कि पूरी तरह से घिरा हुआ है अरावली हिल्स से, इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द राजमहल हिल्स, और राजमहल हिल्स से भी इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाके राजमहल हिल्स से घिरा हुआ है. टू द ईस्ट लाय द ईस्टर्न घाट, वाइल टू द वेस्ट लाए द वेस्टर्न घाट. तो ईस्टर्न की तरफ क्या है? ईस्टर्न घाट है. एंड वेस्ट की तरफ क्या है? वेस्टर्न घाट है. द प्लेट्यू हैज अ रॉकी सरफेस, तो जो प्लेट्यू है उसका सरफेस कैसा है, सतह कैसी है उसकी? सरफेस मीन्स सतह, रॉकी मीन्स चट्टानों से भरी हुई, डॉटेड विथ मेनी लो हिल्स, और किससे भरी हुई है? डॉटेड मीन्स जैसे डॉट मीन्स हम कोई भी डॉट करते हैं ना, आपको पता होगा ना डॉट मीन्स क्या, जब हम डॉट देते हैं सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद, तो डॉटेड विथ मेनी लो हिल्स. तो ये ऐसा दिखता है कि जैसे इसमें बहुत से डॉट्स हैं हिल्स के, जबकि वो पूरी के पूरे हिल्स फैले हुए हैं. हिल्स एंड रिवर्स डिवाइडेड द पेनिनसुला प्लेट्यू इनटू फोर पार्ट्स. तो ये जो हिल्स हैं और रिवर्स हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं? फोर पार्ट्स में डिवाइडेड हैं इन पेनिनसुला प्लेट्यू में. तो देखेंगे ये फोर पार्ट्स क्या है, क्या क्या है. नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, द सेंट्रल प्लेट्यू एंड द साउथर्न प्लेट्यू. तो हम इन चारों
के बारे में डीप में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू। दिस प्लेट्यू एक्सटेंड्स, ये प्लेट्यू जो है फैला हुआ है फ्रॉम द अरावली हिल्स इन द वेस्ट टू सन रिवर इन द ईस्ट। तो ये जो है कि फैला हुआ है अरावली हिल्स के वेस्ट से लेकर, और इसका जो सन रिवर है इज द ईस्ट। द विंध्याचल रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ दिस प्लेट्यू। तो विंध्याचल रेंज जो है इस प्लेट्यू में आता है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। दिस प्लेट्यू एक्सटेंड ओवर राजस्थान, और ये प्लेट्यू जो है कि फैला हुआ है कहाँ तक, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। द चंबल, द बिटवा एंड द सन आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स। तो इसकी जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स है, मुख्य नदियाँ जो हैं, वह है चंबल, बिटवा एंड सन आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन दिस रीजन। तो यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं उनका ये जो है कि मुख्य नदियाँ हैं उनकी। एज द प्लेट्यू स्लोप्स, जो प्लेट्यू है वो स्लोप्स है, नॉर्थवर्ड ऑल द रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स द गंगा सिस्टम विच इंक्लूड्स द गंगा एंड द यमुना, जिसमें कि गंगा और यमुना दोनों रिवर इंक्लूड्स हैं। द मालवा प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू जो है वो इसी प्लेट्यू का पार्ट है। मच ऑफ द सॉइल ऑफ दिस प्लेट्यू, तो यहाँ की जो मिट्टी है इस प्लेट्यू की वो कैसी है, इज ब्लैकिश एंड क्लेवे एज इट इज मेड अप ऑफ लावा। तो ये जो है यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, ब्लैकिश है और लावा है, इसमें लावा मिक्सअप है। लावा मीन्स ज्वालामुखी, इसमें लावा मिक्सेस है। नेक्स्ट है द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में देखेंगे। दिस प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू। तो ये जो है कि एक्सटेंशन है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू का। इट एक्सटेंड, ये फैला हुआ है अप टू द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द राजमहल हिल्स। द प्लेट्यू ऑक्यूपाइज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें जो है कि मध्य प्रदेश भी आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। द टोटल एरिया ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अप्रोक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग जो है कि 65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, 25,000 स्क्वायर माइल्स। द महानदी एंड द दामोदर रिवर्स एंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस रीजन एंड फ्लो इन टू द बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ से बहती हैं, बे ऑफ बंगाल से होके बहती हैं, और ये जो है कि वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, महानदी, दामोदर रिवर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज हॉट एंड ह्यूमिड, तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, गर्म और आर्द्र। द प्लेट्यू रिसीव्स हैवी रेनफॉल्स इन समर विच कॉजेज फ्लड्स इन द महानदी एंड दामोदर रिवर्स। तो जब ये इस प्लेट्यू पर क्या, पठार पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, कब, समर में, जिसके कारण क्या होता है, फ्लड्स मीन्स बूढ़ा आ जाता है। महानदी एंड दामोदर रिवर जो कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। हाउ एवर डैम्स कंस्ट्रक्टेड ऑन दीज रिवर्स हैव कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड टू ग्रेट एक्सटेंट। तो यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं महानदी एंड दामोदर, बोथ आर हाउ एवर डैम्स कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं जिससे कंट्रोल हो सके, किस पे, कौन सी प्रॉब्लम पे, फ्लड की प्रॉब्लम पे कंट्रोल हो सके। हाउ एवर द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स, तो यहाँ का जो प्लेट्यू है वो बहुत सारे खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। मिनरल्स लाइक कोल, आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट एंड मिका, तो इन सब खनिजों से भरा हुआ है ये प्लेट्यू। नेक्स्ट देखेंगे द सेंट्रल प्लेट्यू। द सेंट्रल प्लेट्यू मालवा प्लेट्यू डिवाइड्स नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है सेंट्रल प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, वो डिवाइड है नॉर्थ एंड इंडिया एंड साउथ इंडिया। द प्लेट्यू इज मेड ऑफ हार्ड क्रिस्टालियन रॉक्स, तो ये प्लेट्यू जिस किससे बना है, क्रिस्टालियन रॉक्स मतलब चट्टानी है पत्थरों से। कोल, आयरन और एंड मैग्नीशियम आर द मेन मिनरल्स फाउंड हियर, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कोल मीन्स कोयला, आयरन, खनिज पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं।
द प्लेट्यू एक्सटेंड्स बिटवीन द नर्मदा एंड द कृष्णा रिवर. तो ये जो प्लेट्यू है ये किससे एक्सटेंडेड है? नर्मदा नदी और कृष्णा रिवर से. इट इंक्लूड्स महाराष्ट्र पार्ट्स ऑफ गुजरात. तो यहाँ पे महाराष्ट्र का पार्ट्स आता है और गुजरात का, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका. दिस प्लेट्यू इज ऑल्सो नॉन एज द डक्कन प्लेट्यू. तो इस प्लेट्यू को डक्कन प्लेट्यू भी कहा जाता है. द नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स आर द मेजर रिवर्स. यहाँ की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी एंड कृष्णा, मेजर रिवर्स फ्लोइंग हियर, जो यहाँ पे बहती हैं. द नर्मदा एंड ताप्ती फ्लोज, नर्मदा और ताप्ती फ्लोज वेस्टवर्ड थ्रू रिफ्ट वैलीज एंड डिस्चार्ज इनटू द अरेबियन सी. ये जो है कि घाटियों से गुजरते हुए कहाँ जाती हैं? अरेबियन सी में जाके गिरती हैं. द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल. और गोदावरी और कृष्णा रिवर जाके कहाँ मिलती हैं? बहते हुए ईस्टवर्ड की तरफ घूमकर वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज यूजुअली हॉट. यहाँ का जो मौसम है वो कैसा रहता है? यूजुअली हॉट रहता है, मीन्स गर्म रहता है, बट विंटर ठंडी के समय में जो है कि ठंडा रहता है. रेनफॉल इज स्कैंटी. यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है. रेनफॉल इज स्कैंटी इन द इंटीरियर बट हैवी टूवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट. और कभी कभी हैवी वर्षा भी हो जाती है कोस्ट तरफ में. द ब्लैक लावा सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल. तो यहाँ पर जो है ब्लैक लावा है, जो कि यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है. एंड दे रिटेन मॉइस्चर, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा नमी है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए. कॉटन इज ग्रोन हियर इन एबंडेंस, देयरफॉर द एरिया इज नॉन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन. तो यहाँ पे जो कॉटन की खेती की जाती है, कपास की, जो प्रचुर मात्रा में, एंड देयरफॉर दिस एरिया इज नॉन एज द, इसके कारण इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन नाम से भी जाना जाता है इस एरिया को. द साउथर्न प्लेट्यू, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, लास्ट वन है. द साउथर्न प्लेट्यू इज द ट्रायंगुलर इन शेप. तो साउथर्न प्लेट्यू कैसा है? ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिकोणीय आकार में. नर्मदा रिवर डिवाइड्स दिस प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स. नर्मदा नदी इस प्लेट्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द दक्कन प्लेट्यू. द साउथर्न प्लेट्यू कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 1600 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. द साउथर्न प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिल्स रेंजेस ऑन ऑल साइड. तो जो साउथर्न का प्लेट्यू है वो किससे घिरा हुआ है? पूरी तरह से हिल्स से घिरा हुआ है चारों तरफ से. द अरावली हिल्स आर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट. तो ये अरावली हिल्स और राजमहल हिल्स दोनों तरफ से ही हिल्स से घिरा हुआ है. द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर टूवर्ड्स द ईस्ट एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ का जो ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट, ये भी पूरी तरह से इसको घेरा हुआ है. दिस प्लेट्यू एक्सटेंड साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर. ये प्लेट्यू कहाँ पर है? साउथ की तरफ एक्सटेंड करती है. कृष्णा रिवर बहती है यहाँ पर. इट इज ब्रॉडर इन द नॉर्थ एंड नैरोअर इन द साउथ. ये जो है कि बड़ी है किस तरफ से? नॉर्थ की तरफ से, और छोटी होती जाती है साउथ की तरफ. इट इज फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट. ये पूरी तरह से घिरी हुई है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से. द प्लेट्यू इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. तो ये प्लेट्यू क्या इंक्लूड करता है अपने साथ में? तमिलनाडु को, केरला को, कर्नाटका को, तेलंगाना को एंड आंध्र प्रदेश. तो ये पूरा प्लेट्यू इस स्टेट्स को कवर करता है. द साउथर्न प्लेट्यू इज डॉटेड विथ हिल्स. तो ये जो साउथर्न प्लेट्यू है ये किससे डॉटेड है? हिल्स से, मीन्स इसमें पूरी हिल्स आती हैं. तो ये ऐसा लगता है जैसे इसमें हिल्स का डॉट हुआ है. ऑफ विच द नीलगिरी हिल्स, जिसमें कि नीलगिरी हिल्स हैं एंड कार्डामम हिल्स आर फेमस. तो यहाँ का जो कार्डामम हिल्स है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. द पालघाट गैप सेपरेट्स द नीलगिरी हिल्स. तो जो पालघाट गैप है वो किसको सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है? नीलगिरी हिल्स को फ्रॉम द कर्डामम हिल्स. तो ये जो दोनों ही
different different hills हैं. अनायमुडी एंड नीलगिरी हिल्स इज द बिगेस्ट पीक ऑफ दिस रीजन. तो यहाँ का जो सबसे बड़ा हिल है वो है अनायमुडी एंड नीलगिरी हिल्स. द कावेरी कृष्णा एंड पेनर रिवर्स हैव फॉर्म्ड ब्रॉड वैलीज इन दिस प्लेट्यू. तो ये जो तीनों नदियाँ हैं कावेरी कृष्णा एंड पेनर रिवर्स ये क्या बनाती हैं, बहुत ही बड़े बड़े वैलीज बनाती हैं वहाँ पर. दीज रिवर्स फ्लो इन टू द बे ऑफ बंगाल. और ये रिवर्स कहाँ से बहती हैं, बे ऑफ बंगाल से बहती हैं. द जॉग फॉल्स ऑन द सरस्वती रिवर. तो यहाँ का जो जॉग फॉल्स है वो बहुत ही फेमस है. सरस्वती रिवर इन द कर्नाटका आर द हाइएस्ट प्लंग वाटरफॉल इन इंडिया. ये सबसे वहाँ का कर्नाटका का सबसे हाइएस्ट प्लंग वाटरफॉल है, सबसे ज़्यादा डूबने वाला वाटरफॉल है इंडिया का. डैम्स हैव बीन बिल्ड अप ऑन मेनी रिवर्स फॉर इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं किस लिए, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज मॉडरेट. यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है. देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द समर एंड विंटर. यहाँ पे जो है कि एक ही क्लाइमेट रहता है, बार बार चेंज होता नहीं है. तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ना तो ज़्यादा ठंडा है ना तो ज़्यादा गर्म है. डिफरेंसेस इन द समर एंड विंटर्स टेम्परेचर्स रेनफॉल इज हैवी इन द वेस्टर्न घाट्स एंड लो एल्सवेयर. तो यहाँ का जो रेनफॉल है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैवी है. यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, भारी मात्रा में वर्षा होती है वेस्टर्न घाट्स एंड लो एल्सवेयर. और वेस्टर्न घाट्स की तरह से थोड़ा थोड़ा कम हो जाती है जाके. द इंटीरियर पार्ट्स रिसीव वेरी लो रेनफॉल. तो यहाँ के इंटीरियर पार्ट्स में बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है. द सॉइल इज स्टोनी एंड जनरली नॉट फर्टाइल. तो यहाँ का जो सॉइल है वो कंकड़ युक्त है, मतलब कंकड़ से भरा हुआ है. तो ये जो है फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है. सो द क्रॉप्स आर जनरली पुअर इन दिस रीजन. तो यहाँ के जो पैदावार है वो बहुत ही पुअर है, खराब है. कोलर गोल्ड माइंस आर सिचुएटेड इन कर्नाटका. आयरन ओर एंड मिका आर ऑल्सो फाउंड इन दिस प्लेट्यू. तो यहाँ पे कोलर गोल्ड मिलता है और माइंस जो कि कर्नाटका में पाया जाता है, और इसके अलावा आयरन और मिका भी यहाँ पे मिलता है इस प्लेट्यू में. सो द चैप्टर इज ओवर. हम एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे. टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, दक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो नॉन एज डैश. मालवा प्लेट्यू, पेंसिल प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू. द करेक्ट आंसर इज पेनिनसुलर प्लेट्यू. सेकेंड, द प्लेट्यू हैज अ रॉकी सरफेस डॉटेड विथ मेनी डैश, हाई माउंटेन्स, लो हिल्स, लो वैलीज. द करेक्ट आंसर इज लो हिल्स. थर्ड, द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड इन टू द डैश, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पेनिनसुला. द आंसर इज बे ऑफ बंगाल. फोर्थ, डैश रिवर डिवाइड्स साउथर्न प्लेट्यू इन टू टू पार्ट्स, नर्मदा, कृष्णा, गंगा. द आंसर इज नर्मदा. फोर्थ, द पालघाट गैप सेपरेट्स द नीलगिरी हिल्स फ्रॉम द डैश, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, कार्डामम हिल्स. द करेक्ट आंसर इज कार्डामम हिल्स. सिक्स, कोलर गोल्ड माइंस आर सिचुएटेड इन डैश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश. द आंसर इज कर्नाटका. बी देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द दक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो नॉन एज डैश प्लेट्यू. द आंसर इज पेनिनसुलर प्लेट्यू. नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. सेकेंड है, द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम द डैश इन द वेस्ट टू सन रिवर इन द ईस्ट. द आंसर इज अरावली हिल्स. द थर्ड वन, द टोटल एरिया ऑफ द डैश प्लेट्यू इज अप्रोक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 25,000 स्क्वायर माइल्स. करेक्ट आंसर है छोटा नागपुर. फोर्थ, द डैश प्लेट्यू मालवा प्लेट्यू डिवाइड्स नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. आंसर है सेंट्रल प्लेट्यू. फिफ्थ, द साउथर्न प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय डैश रेंजेस ऑन ऑल साइड्स. आंसर है फिफ्थ का हिल्स. सिक्स, द जॉग फॉल्स ऑन द डैश इन कर्नाटका
are the highest flung waterfall in India? The answer is Saraswati River. C देखेंगे, write T for true and F for false. First है Deccan Plateau is a large plateau, triangular in shape, true. Second है hills and rivers divide the peninsular plateau into two parts, false. Third है the northeastern plateau is an extension of Karnataka, false है. Fourth देखेंगे the Godavari and Krishna river flows eastward into the Bay of Bengal, true है statement. Fifth, dams have been built up on many rivers for irrigation and electricity, true. The soil of southern plateau is stony and not fertile. This statement is also true. So, exercise will be over. D and E, short question answer and long question answer, both will be given as a homework for today's class. Thank you for the today's class. Have a great day, guys.